तो नहीं आता था, मगर जाते जाते प्रोग्राम करते करते अभी जैसा देश वैसा देश। एक बार ऐसा हुआ, लगातार 15 मिनट थारू भाषा में प्रोग्राम चलाया मैं, सब लोग समझ रहे थे। मैं बोला वाओ, आई एम थारू हीरो, ऐसा लगा। तो ये डीएक्सएल की वजह से संभव हो पाया है, तो बहुत ही अच्छी बात, बहुत ही खुशी की बात। आप लोगों को भी वही बनना है, सामने वाले की समस्या को समझ लेना है, हो पाए तो उन्हीं के भाषा में, उन्हीं के है ना लय में, अच्छे से उन्हीं के तरीके से समझा दीजिए। और नहीं हो पाता है तो अपना नेपाली लैंग्वेज में, नेपाल में कहीं कहीं वो भी नहीं समझते हैं तो हिंदी में बहुत ज्यादा समझते हैं। किसी भी देश में जाइए, हिंदी में बोलते हैं जो, तो बहुत सारे लोग अलग अलग लोग समझ जाते हैं। हम नेपाल के वाले भी हिंदी समझ जाते हैं, वो अलग बात है, हिंदी वाले नेपाल नहीं समझ पाते, ये अलग बात है कि नहीं समझ पाते, मगर हम लोग सिखा रहे हैं। आज इतना 2 घंटा में सिखाया ना, हाँ, तो कुछ कुछ सीखे, ऐसे सीखते सीखते सीख जाएंगे। ओके, गुड मॉर्निंग डीएक्सएल एवरीवन, गुड मॉर्निंग डीएक्सएल एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हेलो 40%, हेलो 60, भले कैसे ध्यान 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 देते हैं उन, हेलो हेलो ओके थैंक यू। एक सब को ध्यान देता आई सके बच्चों, अब हम स्टेज में आमंत्रण करना चाहन्छु, निमंत्रण करना चाहन्छु हमारे बीच में उपस्थित संपूर्ण हमारा प्यारा साथीहरुलाई, जो चाहिए डायमंड हुनुहुन्छ, स्टार डायमंड, साथ साथ में स्टार ईएसडी हुनुहुन्छ, साथ साथ में वहाँ एसएसडी हुनुहुन्छ, वहाँ सबैजना स्टार डायमंड ईएसडी र एसएसडी संपूर्ण साथीहरुलाई म स्टेज में आउनको लागि आमन्त्रण गर्छु। एकचोटि तालीले स्वागत गरौं, प्लिज वेलकम द स्टार डायमंड ईएसडी एसएसडी सबै साथीहरु, प्लिज वेलकम, धन्यवाद।